वेलकम बैक टू जागो लाहौर। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जनाब। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि अब शादियों का सीजन भी आने वाला है। दिसंबर मुझे लगता है हमें डिक्लेयर कर देना चाहिए कि सर्दियों का नहीं बल्कि शादियों का सीजन है, और इस सीजन में बहुत सारे प्लानिंग होती हैं। आपने मेकअप कैसा होना चाहिए, कपड़े कैसे होने चाहिए, इस पर हम आज डिस्कशन करेंगे। और सबके, अगर आप मेकअप अच्छा करें, लेकिन अगर आप मेकअप अच्छा नहीं करें, और आपने अपने मेकअप के साथ साथ अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखना है, और जो शादी से पहले लड़कियां स्पेशली अपने स्किन के साथ सलूक करती हैं, आज हम उस पर डॉक्टर अली काजमी से बात करने वाले हैं। मेहमानों का तारुफ करवाती चलूं जनाब, हमें डॉक्टर अली काजमी ने ज्वाइन किया है, उसके साथ साथ सना अहमद होंगी जो कि बड़ी ज़बरदस्ती डिज़ाइनर हैं और इतने ज़बरदस्त कपड़े बनाती हैं, उसके साथ साथ रूबी शहजाद होंगी और उनमें वो भी हमें बताएंगी जनाब कि आज मेकअप कैसा होना चाहिए। रूबी कैसी हैं आप? जी मैं ठीक। खैरियत से? रूबी आज किस तरह का मेकअप करने वाली हैं आप? आज इनको मैं, चूँकि आगे आपको पता है कि विंटर है, शादियों का सीज़न है, तो मैं इनको ब्राइड की थीम पे लेके जा रही हूँ। ठीक है, ठीक है। हम इसको यानी कि एज ए मॉडल के तौर पे भी और एज ए ब्राइडल, जिस तरह इवेंट शादी को इवेंट है तो हर बंदा चाहता है, क्योंकि मेरे टाइम बहुत शॉर्ट था तो मैंने इनकी बहुत सॉफ्ट, ठीक है, बेस फाउंडेशन के साथ मैंने बनाई है। आपको पता है कि आगे विंटर है और स्किन ड्राई है, तो हम फाउंडेशन के साथ जाएंगे, क्योंकि हम जैसे गर्मी का सीजन होता है तो हम पेन केक वगैरह यूज करती हैं, ठीक हो गया, तो इसलिए मैंने फाउंडेशन के साथ लाइट लूज पाउडर के साथ बने, बहुत हैवी बेस नहीं, जबरदस्त। तो आप मेकअप शुरू करें रूबी, हम आपसे आने आप जानते रहेंगे कि आप किस तरह का मेकअप करने वाली हैं, आई मेकअप कैसा होगा। हम जरा उधर चलते हैं और सना और डॉक्टर अली काजमी से बात करते हैं। डॉक्टर अली काजमी, अभी हम बात कर रहे थे मेकअप की, मेकअप से पहले हमारे बहुत सारे लवाजमात होते हैं जो हम अपनी स्किन के साथ कर लेते हैं, इसके बाद हमें एहसास होता है कि ये मेकअप से भी नहीं संभलने वाला, फिर डॉक्टर की तरफ करते हैं, क्योंकि अब मौसम भी आ गया है शादियों वाला, तो फिर क्या लगता है कि स्किन की हिफाजत कैसे होनी चाहिए? सबसे पहले तो हर एक को पता होना चाहिए कि आपकी स्किन की टाइप क्या है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है या मिक्स टाइप ऑफ स्किन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, या टी जोन ज़्यादा ऑयली है, कौन सी चीज़ है, एंड इट ऑल डिपेंड्स आपकी स्किन जेनेटिकली। मैं हमेशा बताता हूँ, आप इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से, स्किन्स ली जाती हैं पूरी आपकी बॉडी की स्किन, जो उसका नशो नमा कहते हैं ना, किसी का हल्का डार्क कम्प्लेक्शन है, किसी का फेयर है, किसी का गंदमी रंग है, ये सब चीज़ें आप इनहेरिटेंस में लेते हैं, तो स्किन की टाइप भी जो है वो भी आप इनहेरिटेंस में ही लेते हैं, कि जो ऑयली है किसी की बहुत ज़्यादा। अब मसला बन रहा है, जिस तरह आपने आगे कहा कि मौसम चेंज हो रहा है, शादियों का भी सीज़न है एंड आगे सर्दी आ रही है, सर्दी में स्किन और मज़ीद चेंज हो जाती है जी, जिसमें चेंजेस के अंदर फॉर एग्जांपल अगर किसी शख्स की ड्राई स्किन है तो वो ओवर ड्राई हो जाती है, याद रखें, और अगर किसी की ऑयली है तो वो ज़रा ड्राइनेस की तरफ चली जाती है, तो जिनकी ड्राई है असल प्रॉब्लम उनको होती है, तो वो पेशेंट्स के जिनकी ड्राई स्किन होती है उनमें हम हमेशा कहते हैं कि जी ठीक है, यू गो फॉर योर मेकअप या जो भी आपने शादी के लिए करना है, मगर उसके बाद आपको बाद में, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ दैट, कि आपको हर शख्स को, सिर्फ उनको नहीं, अपनी स्किन में हाइड्रेशन करनी है। हाइड्रेशन का मतलब ठीक है, आप रूटीन में पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, जूसेस वगैरह, फ्रूट्स, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं स्किन के लिए, मगर हाइड्रेट किस तरह किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल जिस तरह आप लोग भी सारा दिन मेकअप में रहते हैं, ठीक है ना, बहुत समझने का 8-10 घंटे आप लोगों के मेकअप से एक दुल्हन है या किसी के भी चलते हैं, उसके बाद वहाँ पर क्योंकि एक लेयर बन जाती है स्किन के ऊपर, आपकी थिक लेयर जो बेस होती है उसकी, तो आपको जब वो उतारते हैं शाम को रात को जाके, तो वन शुड डेफिनेटली आपको स्किन को हाइड्रेट करना है। अब हाइड्रेशन कैसे की जाती है, वो होता है कि आप कोई मॉइस्चराइजर या एमोलियंट, कोई चीज़ अच्छा मॉइस्चराइजर एमोलियंट, वो क्या करता है आपकी स्किन के ऊपर जब लगाते हैं तो स्किन को हाइड्रेट करता है, जहाँ हाइड्रेशन होती है आप मीन्स के वाटर के लॉस को रोकेगा, वहाँ पर से वाटर को अंदर रहने देगा पानी का, पानी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक स्किन में रहेगा, आप देख लें अगर सारा दिन कोई शख्स पानी ना पिए रमज़ान में या वैसे आप देखें तो स्किन जो है श्रिवल टाइप सी हो जाती है उसके अंदर, तो इससे बेटर होता है कि हम कहते हैं कि जब भी आप अपना मेकअप उतारें या अपना, वैसे सर्दियों में तो मैं रूटीन में लोगों को कहता हूँ कि हाइड्रेट करें स्किन को, सारा दिन कोई ना कोई मॉइस्चराइजर या एमोलियंट ऑन एंड ऑफ आप लगाते रहें, ताकि आपकी स्किन जब हेल्दी रहे उससे, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत चीज़ें हैं बताने वाली, मगर सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जैसे सर्दी में या मौसम के लिए आपको ये हाइड्रेशन एंड मॉइस्चराइजेशन। सना, आपकी जानिब आएंगे, कलेक्शन आ गई होगी डेफिनेटली आपकी और वर्किंग में, किस तरह की कलेक्शन आई है इस बार? मैंने इस दफ़ा फॉर्मल्स में ज़्यादा काम किया है, इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप आहिस्ता आहिस्ता ब्राइडल्स भी चल रहे हैं, लेकिन फॉर्मल्स जो है ना, फॉर्मल्स में मैंने काम किया, हैवी लाइट
वेरिएशन दी है थोड़ी, कट्स में भी, स्ट्रेट्स में भी। कलर्स तो बहुत चेंज हो गए हैं, जैसे कि अब फंक्शंस के हिसाब से, जैसे हम लोग अब उसको निकाह ले लें, निकाह के बाद संगीत हो रहा है आजकल, फिर उसके बाद आजकल शेंदी का बहुत ट्रेंड चल पड़ा है, तो वो शेंदी के हिसाब से भी चीज़ें चल रही हैं, कुछ मिक्स, सब चीज़ें मिक्स चल रही हैं। अच्छा सुनो, मैं देख रही थी ये रॉयल ब्लू सा एक कलर है ये बहुत, और वेलवेट में काम, अब चूँकि सर्दियाँ होंगी तो बहुत ज़्यादा होगा, आपने वेलवेट में किस तरह का काम इंट्रोड्यूस कराया है इस बार? मैंने इसको स्ट्रेट कट में रखा है, हाफ किमोनो स्टाइल में, ठीक है, उसके साथ एक बेल्ट है, बेल्ट है, बेल्ट भी टाइट, थोड़ा बैगी होगा, बैगी होगा, हाँ जी, तो ये बड़ा अच्छा सा लगता है। तो इसके साथ क्या पेयर करते हैं? इसके साथ स्ट्रेट पैंट, स्ट्रेट पैंट, लवली लवली स्ट्रेट पैंट्स, और इसके साथ हम जामवार की पैंट्स देंगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा ये, मतलब शेंदी में या संगीत में बहुत अच्छा लगेगा पहने में, जबरदस्त शेंदी या संगीत में आप पहन सकते हैं। ऐसा ना, नॉर्मली हम जब कलेक्शन की बात करते हैं, नई कलेक्शन आती है तो ट्रेंड्स हर साल बदलते हैं, चूंकि एक साल बाद प्रॉपर शादियों वाला सीजन आता है, तो ट्रेंड तो बदला होगा। ट्रेंड थोड़ा बहुत बदला है, वो ये हुआ है कि अब स्ट्रेट कट्स में ज्यादा लोग जा रहे हैं, स्ट्रेट कट्स में ज्यादा लोग जा रहे हैं, पेपलम्स भी हैं, लेकिन पेपलम्स जैसे पिछले दो सालों में थे, अब उनको जरा कंट्रोल कर लिया, कंट्रोल, हाँ जी, कंट्रोल कर लिया। अब स्ट्रेट कट में स्ट्रेट ट्राउजर्स के साथ स्ट्रेट सिल्वर्स चल रहे हैं ज्यादातर, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर अली काजमी, हम अभी बात कर रहे थे शादी से पहले लड़कियां अपनी स्किन के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करती हैं, कुछ वाइटनिंग क्रीम्स का इस्तेमाल कर लेती हैं, जो हम हमेशा रोते रहते हैं जो भी आता है कि भाई वाइटनिंग क्रीम्स का इस्तेमाल ना करें। वाइटनिंग क्रीम्स का इस्तेमाल करने के बाद जो स्किन के साथ सलूक होता है वो बहुत, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि देखिए वाइटनिंग क्रीम्स जो होती हैं ना, हमेशा हम, अब हमने बहुत अपने प्रोग्राम्स भी इस चीज़ पे किए हैं, अलग पूरे पूरे प्रोग्राम्स किए हैं कि अल्लाह ताला ने जो एक रंगत दे दी है सबको, सिर्फ बस वो सारी ज़िंदगी वो रंग चलेगा आपका, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। वर्ड होना चाहिए इम्प्रूव, हम उसको बेटर कर सकते हैं, ग्लो लाने का फेस के ऊपर, ये वर्ड्स होने चाहिए। लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं जी आए हम आपके ना पूरा जिस्म वाइट कर देंगे, आजकल ये जो इंजेक्शंस का सिलसिला चला हुआ है, मैं हैरान होता हूँ कि इतने इतने महंगे, यू वोंट बिलीव इट, कि तकरीबन इस वक्त लोग चार्ज कर रहे हैं 1.5 से 2 लाख रुपए के इंजेक्शंस हैं, ये जो ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस हैं, और सिटिंग्स के हिसाब से चार्ज, उसके हिसाब से। और मुझे दुख ये होता है कि उसमें बेचारे ऐसे ऐसे जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, उनको भी अब वो लाके कहते हैं कि नहीं ये इंजेक्शंस लगाएं और सारा आपका गोरा हो जाएगा। पॉइंट इज दैट कि देखें, अब डॉक्टर पे इंसान बिलीव करता है कि जी हाँ डॉक्टर कह रहा है, वो कह रहा है रंग गोरा हो जाएगा और इस तरह की चीज़ होगी। दिस इज़ द बैड पार्ट ऑफ ए डॉक्टर, कि अगर एक डॉक्टर गलत, यहाँ पर मैं इसका गाइडेंस गलत देके चला जाऊँ, पता है मुझे मरीज मिलेंगे, तो दिस इज रॉन्ग थिंग, ये तो मैं एक अच्छी चीज़ नहीं कर रहा, एक अपनी प्रैक्टिस के अंदर गलत एक चीज़ डाल रहा हूँ जो अल्लाह को भी नहीं पसंद। तो पॉइंट इज दैट आप क्लियर बताएं कि ये चीज़ें जितनी भी होती हैं, खसूसन इंजेक्शन का तो कोई रोल ही नहीं है, इस चीज़ का कोई वाइटनिंग के अंदर कुछ नहीं है। जो लोग उसका इफेक्ट लेते हैं, हमेशा हम बताते हैं कि इंजेक्शन लगा के साथ क्रीम्स लगाते हैं कि जिसे रंग गोरा करने के लिए होना चाहिए। बहरहाल मैं बताना चाह रहा हूँ, इन चीज़ों के तो बिल्कुल ना जाएं, ना ही वो कोई मिक्स क्रीम्स वगैरह लगाएं। आपकी रंगत बेहतर हो सकती है शादी के दिन नहीं, नेचुरली आप उससे पहले आती हैं, फीमेल्स आती हैं 4-6 महीने पहले कि जी ज़रा हमारे चेहरे पे स्पॉट्स हैं, फ्रैकल्स हैं, चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें होती हैं हम बताते हैं कभी नहीं जाएंगे, फ्रैकल्स वगैरह कभी नहीं जाते, पिगमेंटेशन नहीं जाती, आप इसको बेहतर इम्प्रूव लाइट कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते एग्जैक्टली। तो उसके लिए कुछ 4-6 महीने हमें भी चाहिए जो क्रीम्स हम देते हैं, मगर उस क्रीम में स्टीरॉयड और मर्करी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी प्योर मेडिकेटेड क्रीम्स होनी चाहिए जो आप नाइट में या डे में लगाते हैं, जो कि कम्प्लेक्शन को हेल्दी और इम्प्रूव करती हैं। तो ये वो चीज़ है कि जो हमारे डॉक्टर्स नहीं मरीज को बताते और उनको जाके कहेंगे कि नहीं जी आप ये महंगे से महंगा इलाज करें और एंड पे रिजल्ट होता ही नहीं है उन चीज़ों का, रिजल्ट वो ले रहे होते हैं इंजेक्शन के साथ साथ क्रीम्स लगा के उनको, उससे रिजल्ट्स वो ले रहे होते हैं, मगर मरीज के ऊपर इतना ज़्यादा बोझ डाल देते हैं कि जो कि बेचारा बर्दाश्त नहीं कर सकता, गोरा होने के चक्कर में अपनी स्किन के साथ और भी कर लेता है। अच्छा रूबी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का आई मेकअप करी आप? ये मैं थोड़ा फैंटेसी ग्लैमर्स में मेकअप करी, क्योंकि आपको पता है कि हर बंदा चाह रहा है कि हम थोड़ा लश सा लगे, थोड़ा ग्लिटरी फॉर्मिंग करी हूँ फैंटेसी, लेकिन बहुत सॉफ्ट मैंने शेड्स उठाई हैं, ग्रीन के साथ मैंने ब्लैक की हल्की सी ब्लेंडिंग कर दी, जस्ट पूरा ब्लैक कॉर्नर्स नहीं दिया। तो आजकल क्या मेकअप चल कैसा रहा है?
मेकअप आजकल नो मेकअप नो मेकअप मतलब मेकअप हुआ हो प्रोमिनेंट ना हो क्योंकि हम थोड़ा ब्राइडल पे जा रहे हैं तो इसलिए हम थोड़ा इतना का करें कि जो हल्का सा प्रोमिनेंट हो जस्ट उनका ग्लिटर फॉर्म प्रोमिनेंट हो बाकी जो इनका आईज मेकअप है वो सारा मैंने ब्लेंडिंग के साथ ऑरेंज और ग्रीन को ब्लेंड कर दिया ठीक हो गया जबरदस्त आप कांजी रुक गए सना हम जरा आपके कपड़े देख लें आज जब आप हम कपड़े देखते हैं जरा सना के और सना हमें बताएंगी ये देखेंगे हम सना इसके बारे में बताएंगे क्या है ये स्ट्रेट शर्ट है उसके साथ शरारा है शरारा है क्या मेहंदी वगैरह पे पहन ये आप मेहंदी वगैरह पे भी पहन सकते हैं ये आप इवन निकाह की ब्राइड पहन सकती है एंगेजमेंट की पहन सकती है और इसका कलर डिफरेंट हो जाए तो ये हम शेंदी में भी यूज करते हैं यूज कर सकते हैं ठीक हो गया अच्छा जनाब मैं कॉल्स भी ले रही हूँ कॉल्स आप करें डॉक्टर अली काज भी हमारे पास मौजूद हैं अगर आप स्किन रिलेटेड कोई इश्यू जानना चाहते हैं या कपड़ों के हवाले से कुछ जानना चाहते हैं या मेकअप के हवाले से जानना चाहते हैं सना ये वाला मुझे पीछे बहुत मजे का लग रहा है ये क्या ये केप है ये केप है केप है और इसको हम डिफरेंट तरीकों से डिफरेंट ओकेजन के हिसाब से हम यूज कर सकते पहन सकते हैं वो हम इस तरह से कि अगर हमें वैसे ही किधर पार्टी में जाना है या उसमें जाना है जीन्स और टॉप के साथ ठीक है कैजुअल हो जाएगा और अगर हमने कहीं प्रॉपर शादी में जाना है तो इसके साथ अच्छा सा स्ट्रेट शर्ट रख के टिश्यू में या प्लेन किसी एक कलर में और स्ट्रेट पैंट्स के साथ ये बहुत अच्छा कैरी हो सकता है ये इवन गाउन के साथ बहुत अच्छा गाउन के साथ भी अच्छा लगेगा वेरी स्मार्ट अच्छा सुना मैंने देखा आप कट्स के साथ बहुत खेलते हैं हाँ जी कट्स आपको पसंद है मुझे कट्स इस वजह से पसंद है कि वो आपकी बॉडी के हिसाब से आपको पता समझ आ जाती है कि किस तरीके से कौन सी चीज उन पे सूट करेगी आई जस्ट लव इट कट अगर अच्छा होना आपका कट अच्छा हो ना तो बंदा वैसे ही स्मार्ट लगता है और सेकंडली आपको इतने ज्यादा भारी भरकम काम की जरूरत नहीं पड़ती अगर थोड़ा स्टाइलिश उसकी स्ट्रेचिंग हुई हो सना ये बहुत प्यारा है थैंक यू ये बताएं ये तो ये वाला पेप्लम ये पेप्लम है और इसके साथ जैसे आजकल फ्रिंजेस चल रही हैं ये लगाया हुआ है एम्ब्रॉयडर्ड शरारा सही और ऊपर मैंने अच्छा सा नेकलाइन पे जरा काम हैवी किया काम हैवी करवा दिया अच्छा काम के हवाले से बताओ सना क्या किस तरह का काम ज्यादा है नया अच्छा आजकल जो काम चल रहा है वो इस तरह का चल रहा है क्रिस्टल्स में और इसमें इसमें क्रिस्टल्स ये क्रिस्टल्स में 3D फ्लावर्स में सितारों के साथ स्टोन्स के साथ मुख्तलिफ चीजों के साथ हम खेल रहे हैं तो बहुत सी चीजें इसमें चल रही हैं पर्ल्स हो गए बाकी चीजें एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छा है ये पीछे से टेल है ये पीछे से टेल है पीछे से टेल है और फ्रंट जो है इसका नेट में हमने बनाया हुआ है ये नेट में से ट्राउजर आपका कलर भी बहुत खूबसूरत है इसका बहुत वो कूल सा है लेकिन चूंकि आप वेडिंग्स में इस तरह के कलर्स ही चल रहे हैं इसी तरह के कलर्स चल रहे हैं ये तो मैंने शेंदी के लिए ही बनाया था माइंड में रख कर ना शेंदी या मेहंदी में क्योंकि इस किस्म की कलरफुल चीजें चल रही हैं आजकल सुना आपके घर वाले आपसे कितने खुश होते होंगे आराम से शादी में कपड़ों की कोई टेंशन ही नहीं बहन डिजाइनर है हमारी अच्छा जनाब डॉक्टर जी आदमी हम कल कम्प्लेक्शन की बात कर रहे थे हमारे यहाँ नॉर्मली खवातीन को ना बिल्कुल नहीं पता होता कि अपने कम्प्लेक्शन को किस तरह से बेहतर करना है एनहांस करना है नेचुरल तरीका डाइट ये सब जानेंगे जनाब ब्रेक ले लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे डॉक्टर अली काजमी से हम यही सवाल करेंगे सना भी हमारे साथ मौजूद है रूबी भी मौजूद है आप देखते रहिए जागो लाहौर